हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मतलब आज मैं कहीं शूट करने के लिए गया नहीं और काफी दिन से सोच रहा था कि देखिए पीछे मेरी फायरफॉक्स की साइकिल खड़ी है, तो काफी दिन से मैं सोच रहा था कि इसे क्लीन करना है, तो आज इसी को क्लीन करते हैं। इसी को काफी गंदी हो रही थी तो आज कोई शूट भी नहीं था, तो इसलिए सोचा कि डे को अच्छे से यूटिलाइज करें। तो मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे क्लीन करेंगे। और गाइस, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है साइकिलिंग में, बट जो भी है आपके सामने है और वही मैं आपको शेयर करूंगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पास कौन सी बाइक है, और अभी रिसेंटली लिया है मैंने 2 मंथ पहले। सो गाइस देखिए, ये है मेरी फायरफॉक्स की कोमाडोस 29D, और ये अभी 2 महीने पहले मैंने परचेज की है। अभी इसको क्लीन करेंगे पूरा अच्छे से, और इसकी सर्विस भी होनी है, तो सर्विस अभी मैं 1 महीने बाद कराऊंगा। और देखिए इसके लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक शैम्पू, ये पेंट सीलेंट वगैरह तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, खैर ये यूज़ करूँगा, और ये स्पंज, और ये मैं हमेशा, गाइस ये मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, ये लगा लीजिए। अब मैं अराउंड 10 सालों से ये पॉलिश यूज़ कर रहा हूँ, फार्मूला 1 की, काफ़ी इतनी सही पॉलिश है, और ये इसकी पूरी डिटेल्स हैं, इतनी ज़्यादा सही पॉलिश है कि मैं क्या बताऊँ, क्या 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 मतलब अल्टीमेट है। आप अभी देखना इसका पूरा क्लीन करने का, अभी देखना है कितनी गंदी है, ठीक है। अभी आप देखो ये पूरी कितनी गंदी है, और जब मैं आपको पूरी क्लीन करके दिखा दूंगा तो तब आप देखना ये कैसी चमकेगी है। अच्छा अभी ठीक है, और धूप भी काफ़ी हो रही है आज, पूरा खतरनाक वाला धूप हो रही है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे फटाफट से क्लीन करते हैं। और सो गाइस, अभी हो चुकी है इसकी वॉशिंग पूरी। अब मैं इसे ना 5 मिनट तक थोड़ा पानी निकलने दूंगा, उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगा, आप देखना इसमें लगाऊंगा मैं फॉर्मूला 1 वाली पॉलिश, और उसको 5 मिनट तक मैं ड्राई होने दूंगा। उसके बाद वो सूख जाती है, तो उसे हल्का हल्का कोटिंग उसके ऊपर फैलाना पड़ता है। वो केवल, लेकिन आप फॉर्मूला 1 केवल आप ग्लॉसी सरफेस पे मार सकते हैं, मैट सरफेस के लिए नहीं है। मैट सरफेस के लिए हमने जो आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में पहले वाली, तो वो लगेगी, और जैसे ही वो सूख जाती है फॉर्मूला 1 वाली, तो उसके बाद उसे क्लीन करेंगे। तो उसके बाद देखना, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रहता है वो। पर्पस ये देख लीजिए, मल्टीपर्पस पॉलिश, और ये बाकी मैं सब जगह लगाऊंगा, इसे टायर में, इसके अलॉयज में, और जहाँ पे प्लास्टिक वाला सरफेस होगा तो वहाँ पे इसे यूज करूंगा, और ग्लॉसी सरफेस के लिए मैंने ये यूज किया है। तो अभी चलते हैं। गाइज देखो, आप हो चुकी है पूरी बाइक क्लीन एकदम। मुझे हमेशा क्लीन चीज़ रखना ही पसंद है, चाहे अपनी स्कूटी हो चाहे अपनी बाइक हो, और मुझे मेरे पापा ने यही सिखाया कि अच्छे से रखो, और तो मुझे वैसी आदत पड़ी है, क्योंकि अभी मैंने स्कूटी पे वीडियो बनाया था 1 ईयर मेंटेनेंस का, लॉन्ग टर्म रिव्यू, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने काफ़ी अच्छी मेंटेन की है। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी सही से क्लीन हुआ, ज़्यादा समय नहीं लगता, अराउंड 45 मिनट्स लगे और रिजल्ट आपके सामने। तो क्लीन रहती है तो मन भी करता है अच्छे चलाने का। और ये देखो, ये निकालना है मुझे, ये निकालना है, अभी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, ये भी निकालना है, क्योंकि अब बारिश ख़त्म हो गई है तो उसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। और बाकी बस मैंने पैडल्स को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन कर दिया है, तो यही है, ये इसका फाइनल आउटकम है। तो कोई भी डिटेल क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं सामने डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्ते, और
आज उत्तराखंड दिवस है, तो हैप्पी उत्तराखंड डे टू ऑल ऑफ यू जो भी लोग देख रहे हैं। तो बाय बाय।